ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। गोस्वामी तुलसीदास को कौन नहीं जानता है, लेकिन साधारण से तुलसीदास का गोस्वामी तुलसीदास बनने के पीछे बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही रोचक कहानी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बनने के पीछे की असली कहानी। दरअसल तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुई थी। विवाह होने के बाद राम बोला यानी तुलसीदास अपना गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया जहान की कोई फिक्र ही नहीं रही। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास को ये बात पता चला तो वो बेचैन हो उठे और अपनी पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी इनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए नदी के तट पर पहुंच गए। तुलसीदास के सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन अपनी पत्नी से मिलन की ऐसी दीवानगी इन पे छाई हुई थी कि नदी में बहकर आती लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का मुख्य जो दरवाजा होता है वो भी बंद हो चुका था। यह देखकर तुलसीदास को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर एक सांप का पूछ पकड़ लिया और इसी के सहारे अपने पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब तुलसीदास को देखा तो इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम हाड़ मांस से बने मेरे शरीर से करते हो, उसका आधा भी भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की कटु लेकिन सत्य बात ने तुलसीदास के मन को झकझोर कर रख दिया और उसके बाद से ही तुलसीदास ने वैराग्य का पथ अपना लिया। वहां से वो सीधे प्रयाग आए और प्रभु श्री राम के भक्ति में विरक्त हो गए और तुलसीदास ने प्रभु राम की भक्ति और अपने कठिन परिश्रम और मेहनत करके श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा तुलसीदास ने कई पत्रिकाएं, दोहावली, कवितावली, गीतावली और अनेक भक्ति ग्रंथों की रचना की। तो यह कहानी थी एक साधारण से तुलसीदास का गोस्वामी तुलसीदास बनने के पीछे की कहानी। अगर गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने ऐसा नहीं कहा होता तो तुलसीदास एक साधारण तुलसीदास ही बने रह जाते। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञान वर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।